चलिए, तो आज हम टैली का जो केस होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे। जैसा कि कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे और कंपनी का नाम हम टैली केस रख देते हैं। टैली केस के नाम से हम कंपनी बनाएंगे और स्टेट इंडिया, कंट्री इंडिया सॉरी, और स्टेट उत्तर प्रदेश। और हमारी कंपनी जो बन रही है वो 16-17 में बन रही है। जैसा कि इसमें तो फाइनेंशियली कुछ कहा नहीं गया है कंपनी बनाने के लिए, लेकिन हम इससे पता कर सकते हैं कि जो हम अपनी बाउचर एंट्री कर रहे हैं वो 1/5/2016 यानी 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी और 17 में हमारी क्लोजिंग होगी। तो इससे ये पता चला हमारी जो कंपनी बनेगी वो 1/4/2016 में बनेगी। इस तरह ये हमारी कंपनी बन गई। अब आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम तत्काल कम्युनिकेशन ऑन 1/5/2016 द फॉलोइंग आइटम आर। यानी हम परचेज कर रहे हैं किसे, तत्काल कम्युनिकेशन से, और ये आइटम हम खरीद रहे हैं। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो टैली में जो केस होता है उसके लिए सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तत्काल कम्युनिकेशन, जो तत्काल कम्युनिकेशन से हम सामान खरीद रहे हैं, क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, जैसे मेमोरी खरीद रहे हैं, पेन ड्राइव खरीद रहे हैं, सिम खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज़, नई चीज़ आई है जो अभी तक हम टैली में पढ़े नहीं हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये देख रहा है एक्चुअल एंड बिल, यानी हम जो मेमोरी खरीद रहे हैं वो एक्चुअल हमारे पास आ रहा है, लेकिन बिल उसका बन रहा है 72 पीस। यानी इससे ये पता चल रहा है कि जो 8 पीस है वो हमें फ्री मिला है। तो इसके लिए, ऐसी एंट्री करने के लिए हम टैली में एक फ़ीचर इनेबल कराते हैं जिसका नाम होता है सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। इस फीचर को यूज़ कराते हैं तो हम ये एंट्री आराम से टैली में कर सकते हैं। दूसरी बात, इसी आइटम पर ये देखिए, जैसे सिम हमने ख़रीदा, हाँ, दूसरा है आइटम है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हमें एक्चुअल में 10 पीस मिला, लेकिन इसका बिल कोई नहीं मिला, बल्कि ये बता रहा है कि फ्री है। यानी फ्री टैली में जो भी हम एंट्री करते हैं उसे कोई ना कोई वैल्यू यानी कोई ना कोई रेट दिखानी पड़ती है, वरना टैली उस आइटम को एक्सेप्ट नहीं करता है जिस आइटम में रेट डिफाइंड ना हो। तो ऐसे आइटम को एक्सेप्ट कराने के लिए एक फ़ीचर होता है अलाउ ज़ीरो वैल्यू, उस फीचर को यस करा देते हैं। और फिर इसी तरह देखिए, सिम नंबर थर्ड हमारा जो आइटम है, हम सिम ख़रीद रहे हैं जिसमें ये दिया है बैच नंबर दिया है और मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट। यानी हम जो सिम ख़रीद रहे हैं उसका बैच नंबर ये है और उसका मैन्युफैक्चरिंग ये है और एक्सपायरी डेट है। यानी कि जब एक्सपायरी डेट यानी 31/10/2016 के बाद अगर हम ये सामान बेचेंगे तो ये कंपनी हमें बेचने नहीं देगी। उसके लिए एक फ़ीचर इनेबल कराते हैं, मेंटेन बैच डिटेल, उस फीचर को यस कराते हैं। तो ये हम एंट्री आराम से कर सकते हैं। और इसी तरह इस फीचर में गोडाउन भी हमें इनेबल कराना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हम 4 फीचर इनेबल कराएंगे। सबसे पहले एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का फीचर इनेबल कराएंगे, फिर पेन ड्राइव फ्री मिल रहा है तो उसके लिए अलाउ ज़ीरो वैल्यू फीचर यस कराएंगे, और सिम में हमें बैच नंबर और एक्सपायरी डेट फीचर करना है तो उसके लिए भी बैच नंबर का फीचर इनेबल कराएंगे, और चौथा जो हमारा फीचर है वो गोडाउन का है उसको भी यस कराएंगे। तो सबसे पहले हम फीचर इनेबल कराएंगे। फीचर इनेबल कराने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करेंगे और सबसे पहले इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। अब सबसे पहले जो फीचर हमें मिल रहा है इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यानी इस फीचर को हमें यस कराना था इसलिए इसको यस करा देंगे। और फिर दूसरा हमारा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, हमें गोडाउन की भी ज़रूरत थी इसलिए इस फीचर को भी यस करा देंगे। और फिर हमें मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इस फीचर को भी यस कराना था तो इस फीचर को भी हम यस करा देंगे। और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, यानी हमें एक्सपायरी डेट भी यस कराना था। उस जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक्सपायरी डेट यहाँ सिम में हमें दिया हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट का भी फीचर यस करा देंगे। तो और सेट एक्सपायरी डेट और बैचेस भी दिए हैं तो हम इस फीचर को भी यस कर देंगे। और यहाँ पे हमें देखिए एक फीचर और मिला, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, इस फीचर को भी यस कर देंगे क्योंकि हमें एक्चुअल और बिल क्वांटिटी भी फीचर यस करने हैं। इस तरह हम 4 फीचर इनेबल करा चुके हैं। जैसे पहला हमारा फीचर इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसका मतलब ये था तो कोई भी सामान हम फ्री मिले तो वो एक्सेप्ट कर ले। गोडाउन हमें दिया हुआ है तो गोडाउन का भी हम यस कर लिए। मेंटेन बैच वाइज डिटेल दिया है, उस फीचर को भी यस करा दें जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंटेन कर सकते हैं। और यूज सेपरेट एंड एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, जैसे हम कुछ सामान खरीदें उसमें कुछ आइटम फ्री मिल रहा है तो इस फीचर को यस कराएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सामान खरीद रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करने के लिए अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे और परचेज की शॉर्टकट की होती है F9 प्रेस करेंगे। जैसे F9 प्रेस करेंगे और हमें जो एंट्री करनी थी वो 1/5 में करनी थी। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे 1/5, सप्लायर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर कहा है तो क्वेश्चन में डाल दीजिएगा।
और पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम का मतलब होता है कि हम किससे माल खरीद रहे हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि परचेज कंपनी परचेज गुड फॉर्म तत्काल कम्युनिकेशन, यानी हमने तत्काल कम्युनिकेशन से ये सामान खरीदा है, तो तत्काल कम्युनिकेशन हमारी पार्टी हुई। अल्ट सी यहीं प्रेस करेंगे और तत्काल कम्युनिकेशन का लेज़र बनाएंगे। तत्काल कम्युनिकेशन, अब जिससे हम, अब इसका अंडर क्या डालेंगे, जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा सेंड्री क्रेडिटर होता है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम सेंड्री क्रेडिटर या सेंड्री डेटर, यानी जब भी पार्टी का लेजर बनाते हैं, तो उसमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस फीचर को यस रखते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब जैसे एक्सेप्ट कराएंगे, ये विंडो खुलेगी, आप इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सेप्ट करा देना। अब यहाँ पे परचेज लेज़र, यहाँ पे पूछ रहा है टैली परचेज लेज़र, तो यहाँ पे बस अल्ट सी प्रेस करेंगे और परचेज का लेज़र बनाएंगे। परचेज के लेज़र अंडर परचेज अकाउंट, और हमेशा परचेज और सेल के लेज़र में हमेशा इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड इस फीचर को यस कर देंगे। ठीक, अब नेम ऑफ आइटम, हमें आइटम बनाना है, तो यहाँ पे आइटम हमारा पहला है मेमोरी, तो यहाँ पे मेमोरी हम बनाएंगे। अल्ट सी प्रेस करेंगे यहीं पे और मेमोरी का आइटम बना लेंगे। मेमोरी, मेमोरी के अंडर कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं डालेंगे। यूनिट, अब देखिए मेमोरी किस चीज़ में खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ दिया नहीं है क्वांटिटी में, तो जाहिर सी बात है मेमोरी पीस में खरीदेंगे। तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करके पीस यूनिट बना लेंगे, यूनिट बना। अब यहाँ देखिए मेंटेन इन बैचेस, क्या इसमें बैच मेंटेन करना है, तो यहाँ पे देखिए मेमोरी ये है हमारी और मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायर, इसमें बैच नंबर कुछ दिया नहीं है, तो यानी इसमें मैन्युफैक्चरिंग बैच मेंटेन बैच डिटेल यस कराने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सेप्ट कराएंगे। गोडाउन पूछ रहा है, अब देखिए गोडाउन हमारा जो है वो नोएडा में है, तो यहीं पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और नोएडा का गोडाउन बना लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारा गोडाउन बन गया। अब एक्चुअल, एक्चुअल यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल हमारे पास कितना आ रहा है, 80 पीस, तो यहाँ पे एक्चुअल 80 पीस। और जो बिल बन रहा है, जैसे हम एक्चुअल जो भी डालते हैं ऑटोमेटिकली बिल भी उतना का ही बनता है, लेकिन यहाँ पे हम टाइप करके चेंज कर देंगे, जैसे हमें जो बिल बन रहा है वो 72 पीस और रेट जो हमारा है 150 रुपये। ये हमारा मेमोरी हुआ। दूसरा आइटम जैसे हमें पेन ड्राइव फ्री मिल रहा है, अल्ट सी प्रेस करेंगे और पेन ड्राइव बनाएंगे। ये हमारा पेन ड्राइव बन गया, अंडर कुछ नहीं, यूनिट में हमारा पीस में होगा। जैसे ये क्या इसमें बैच हमें मेंटेन कराना है, तो क्वेश्चन में इसमें भी मेंटेन बैच नहीं है, उठा देंगे। गोडाउन हमारा नोएडा है, नोएडा ले लेंगे। एक्चुअल, एक्चुअल हमारे पास 10 पीस, जैसे इंटर हम प्रेस करेंगे बिल भी उतने का बनेगा, लेकिन हमें ये आइटम जो मिल रही है वो फ्री मिल रही है, तो इसमें बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे और बिल कुछ नहीं बनाया, यानी फ्री मिला। अमाउंट भी कुछ नहीं है, इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारा अमाउंट है कुछ नहीं, हमने मेमोरी 10,800 का ख़रीदा था, 10,800 यहाँ पे बिल है। नेक्स्ट, इसी तरह हम दूसरा आइटम यानी सिम खरीद रहे हैं। अब सिम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सिम भी यूनिट में ख़रीद रहे हैं, और जैसे पीस इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पूछेगा मेंटेन इन बैचेस, क्या इसमें बैच मेंटेन करना है, तो हाँ यहाँ पे देखिए बैच नंबर भी दिया हुआ है, एक्सपायरी डेट दिया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया और एक्सपायरी डेट दिया है, तो इस फीचर को जैसे ही यस कराएंगे तो ये पूछेगा कि ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डालना चाहते हैं, तो इस फीचर को भी यस कर देंगे। एक्सपायरी डेट भी आप डालना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो इस फीचर को भी यस कर देंगे। ओके, अब यहाँ गोडाउन पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम चलता है ये गोडाउन चलेगा, बैच नंबर क्वांटिटी रेट ये चलता है, तो सबसे पहले गोडाउन पूछ रहा है तो हम गोडाउन यहाँ दे देंगे, गोडाउन हमारा नोएडा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बैच ऑब्लिक लॉट नंबर, तो यहाँ पे ये न्यू नंबर आएगा, तो हम यहाँ पे न्यू नंबर ले लेंगे, और हमारा जो था बैच नंबर है 4125612 56, ये हमारा बैच नंबर हो गया। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी हमें जो हो रही है वो 25 पीस और बिल भी 25 का बन रहा, तो 25 पीस बिल भी ऑटोमेटिक उतना ही बनेगा, और रेट जो है हमारा वो 50 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये देखिए, अब जो हमारा है बैच नंबर के नीचे मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारा है 1/4 नहीं 1/5, जैसे कि 1/4 2016, और एक्सपायरी डेट हमारा है 31/10/2016। सॉरी,
इंटर पे से ये हमारा आइटम खरीद लिया गया। न्यू रेफरेंस लेंगे, ये मेरी इंटर कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर टू देखिए कह रहा है कि ऑन 2/5/2016 कंपनी ट्रांसफर ऑल गुड्स फ्रॉम नोएडा टू अलीपुर गोडाउन, यानी एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 2%। यानी हम क्या करें, जितने भी हमारे आइटम हैं नोएडा गोडाउन में उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अलीपुर गोडाउन में, और उस पर जब हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर हमारा एक खर्चा हो रहा है, क्या ट्रांसपोर्टेशन के नाम से खर्चा हो रहा है जो 2% हो रहा है, यानी जितना भी कॉस्ट का ये 150 रुपये के हिसाब से जा रहा है उस पर 2% चार्ज लग रहा है भेजने में। तो जब भी हम गोडाउन ट्रांसफ़र करते हैं, गोडाउन ट्रांसफ़र करने के लिए उसकी भी एक बाउचर होता है, जिस बाउचर में हम उसको करते हैं तो उसका नाम होता है स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल सिर्फ गोडाउन ट्रांसफ़र करने के काम में आते हैं। तो इसी तरह हम अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे और गोडाउन ट्रांसफ़र करने की शॉर्टकट की होती है जिस बाउचर में हम करते हैं Alt+F7। जैसे Alt+F7 करेंगे स्टॉक जनरल, स्टॉक जनरल का बाउचर खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए दो चीज़ दी हमें, एक हुआ है सोर्स और एक है डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब हम कहाँ से माल उठा के कहाँ पर डेस्टिनेशन का सब कहाँ पर भेज रहे हैं। तो सोर्स पहले हम क्या क्या आइटम भेज रहे हैं, तो जैसे कि अब हमारा मेमोरी है, मेमोरी हम भेज रहे हैं, हमारे किस गोडाउन में था, नोएडा गोडाउन में था। और ये हमारे पास पीस कितने थे, यहाँ 80 पीस एक्चुअल में हमारे पास थे, उसको हम ट्रांसफ़र, देखिए रेट अपने आप डिफाइन हो गया 135। अब यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज होंगे कि 135 रुपये यहाँ रेट आया और लेकिन यहाँ पे जो है 150 रुपये आया। तो जो हमारा बिल बना था 72, वो जो 150 रुपये रेट थे वो सिर्फ 72 रुपये के हिसाब से थे, और 80 रुपये पे ये कैलकुलेट कर लिया कि जब अगर आप 80 रुपये का 80 पीस आप ख़रीद रहे हैं तो उस पर रेट कितना डिफाइन होगा। इंटर प्रेस करेंगे और फिर हमारा दूसरा आइटम था पेन ड्राइव, जो नोएडा गोडाउन में ट्रांसफ़र करना था, हमें नोएडा गोडाउन में हमारा था, और इसकी क्वांटिटी हमारे 10 पीस थी और इसका रेट कुछ नहीं था, तो यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ नहीं रेट कुछ नहीं था। और दूसरी तीसरी चीज़ हमारी थी ट्रांसफ़र, तीसरी चीज़ हमारी है सिम, हम सिम को भी ट्रांसफ़र करेंगे, गोडाउन नोएडा गोडाउन में है और इसका बैच नंबर ये था, क्वांटिटी हमारे पास शायद 25 पीस थी, रेट अपने आप आ जाएगा। एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन में नहीं, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं और क्या ले जाना चाहते हैं, यानी जब हम जो चीज़ भेजेंगे वही चीज़ हमारे दूसरे गोडाउन में पहुँचेगी। तो पहली चीज़ हम क्या भेज रहे हैं, मेमोरी, तो वहाँ पे मेमोरी ही पहुँचेगी। तो मेमोरी किस गोडाउन में, तो अब यहाँ में अलीपुर गोडाउन में सेंड करना है, यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और अलीपुर के नाम से एक गोडाउन बना लेंगे। हमारा गोडाउन हो गया, अलीपुर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फिर अलीपुर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और यहाँ क्वांटिटी जो हमारी थी वो 80 पीस, जो 80 पीस होगा वहीं डाल देंगे, ये रेट होगा। जैसे यहाँ इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं पूछा, लेकिन हम जब इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए एक फ़ीचर है ना, जैसे हमारे ऊपर तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो रहा है, जब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो रहा है, तो वो फ़ीचर हमें इनेबल कराना था, सॉरी हमने यस नहीं कराया था। लेकिन आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं और किए नहीं, तो आप यहीं से भी इनेबल फीचर को करा सकते हैं। बस यहीं पे F11 प्रेस करिएगा और जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है गोडाउन ट्रांसफ़र करने में, तो वही यहाँ पे आपको मिलेगा एक फीचर, यूज्ड ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इस फीचर को यूज़ करा देते हैं। ये हमेशा ट्रांसफ़र कराने के खर्चे में फ़ीचर इनेबल कराते हैं, इस फीचर को यूज़ कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अगेन हम इंटर मारते जाएंगे और मेमोरी, अब जैसे ही हम इंटर यहाँ पे प्रेस करेंगे वो पूछेगा कि क्या इस पर कोई एडिशनल कॉस्ट भी खर्चा हुआ है, तो हाँ हमारा एडिशनल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के नाम से हुआ है। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करके ट्रांसपोर्टेशन का एक लेज़र बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन का लेज़र जो अंडर जाएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए जाएगा कि हमने इसको ये जो हमारा खर्चा है वो उसके कॉस्ट में ऐड होगा, जो हम मेमोरी खरीदें 150 रुपये की उसके कॉस्ट में ऐड होगा, इसलिए हम डायरेक्ट एक्सपेंस अंडर लेंगे और टाइप ऑफ ड्यूटी अदर ले लेंगे, परसेंटेज कुछ नहीं। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कितना परसेंट हमारा खर्चा हुआ है, तो क्वेश्चन में 2% है, 2% कर देंगे। अब देखिए जैसे 2% यहाँ खर्चा करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमारा जो ख़रीदा हुआ था वो 135 रुपये में ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन अब जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो गई वो 137 रुपये 70 पैसा, यानी उसको ऐड कर लिया जो 2% हमारा खर्चा हुआ था। इसी तरह पेन ड्राइव हमारा है, अब पेन ड्राइव पे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे अलीपुर में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन इसका हमारा जो क्वांटिटी था वो 10 पीस,
और इसमें कोई रेट नहीं था, तो कोई रेट इसमें डिफाइन नहीं करेंगे, ना कोई एडिशनल कॉस्ट चार्ज करेंगे इस पर। तीसरा हमारा सिम है, सिम को ट्रांसफ़र करेंगे अलीपुर गोडाउन में। जैसे इंटरप्रेस करेंगे ये न्यू नंबर पूछेगा, क्या आप उसका बैच नंबर चेंज करना चाहते हैं? तो नहीं, चेंज नहीं करना चाहते हैं, बस वही जो हमारा बैच नंबर था वही डाल रहे हैं। और क्वान्टिटी हमारी 25 पीस थी, जैसे 25 और रेट इसका था हमारा 50 रुपया। यहाँ पर सारी चीज़ नहीं भरनी पड़ेगी। और टाइप ऑफ कॉस्ट यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिएगा, कितना परसेंट है 2%, इंटरप्रेस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। अब ये कब हुआ था, 1/4 में हुआ था और 31/10 में ये एक्सपायर हो गया, इंटरप्रेस कर देंगे, ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कंपनी फिक्स स्टैंडर्ड रेट प्राइस ऑफ सिम एट द रेट ऑफ 75% ऑन X6 2016। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1/6/2016 से कंपनी क्या करी, फिक्स कर दे रही है सिम का रेट, फिक्स कर दे रही कि वो अब बिकेगा तो 75 रुपये के हिसाब से बिकेगा। कब से? 1/6/2016 से। तो हमें फिक्स कर रहा है स्टैंडर्ड रेट किस पे करना है, सिम पे। तो इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम आइटम, किस आइटम पे हमें रेट फिक्स करना है, तो जिस आइटम पे हमें रेट फिक्स करना है उस आइटम में जाएंगे। तो आइटम में जाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम और अल्टर में जाएंगे, क्योंकि सिम पहले से ही बन चुका है। तो यहाँ पे सिम में चले जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप यहीं पर प्रेस करेंगे F12, यानी हमें स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना है। तो यहाँ पे आप F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद यहीं पे आपको मिलेगा इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, यानी हमें स्टॉक आइटम पे स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना है। इस फीचर को भी यस कर देंगे, और जैसे यस करेंगे फिर आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहीं आपको मिलेगा अल्टर स्टैंडर्ड रेट, यानी आप क्या स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करिएगा। इस फीचर को जैसे यस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यह पूछेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक होगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो हमें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ब्लैंक छोड़ के इंटर चले आएंगे। अब हमें सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है, यानी जब हम बेचेंगे तो उसका दाम ये होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है अप्लीकेबल फॉर्म, यानी कब से ये अप्लीकेबल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है 1/6 से हमें अप्लीकेबल करना है, उसका रेट होना चाहिए 75 रुपीज़। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको 1/6 के बाद अगर हम सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट 75 रुपीज़ आ जानी चाहिए, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑन 2/6/2016 कंपनी सोल्ड गुड्स टू अग्रवाल ट्रेडर एंड गिव ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% ईच आइटम। यानी हम कंपनी क्या कर रही है, सेल कर रही है गुड, किसको कर रही है, अग्रवाल कंपनी को, अग्रवाल ट्रेडर को कंपनी, और उसे ट्रेड डिस्काउंट भी दे रही है, कितना, 2% ईच आइटम, यानी हर आइटम पे उसको 2% डिस्काउंट दे रही है। तो जब भी ये हम किसी आइटम पे डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए एक फ़ीचर इनेबल कराते हैं। फ़ीचर इनेबल कराने के लिए गेटो F12 पे F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, और यहीं पे आपको मिलेगा एक फ़ीचर यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इस फीचर को यस कर देंगे, यानी जब हम इनवॉइस में एंट्री करें तो वहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम भी आना चाहिए, क्योंकि हमें डिस्काउंट देना। यस कराने के बाद आप चले जाएंगे, फिर हमें एंट्री करनी है तो ट्रांजेक्शन करना है तो अकाउंटिंग वाउचर में, और हमें सेल करना है सेल की शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे। अब यहाँ हमें कितने तारीख को करना है, जैसे कि 2/6 को हमें करना है 2/6, और रेफरेंस नंबर में कुछ भी डाल दीजिएगा इनवॉइस 002 पार्टी नेम। अब यहाँ पे हम किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं अग्रवाल ट्रेडर को, यहीं पे LTC प्रेस करके लेज़र बनाएंगे अग्रवाल ट्रेडर। अग्रवाल ट्रेडर यानी जब भी हम किसी पार्टी को सेल करते हैं तो हमारा सेंडिंग डेटर होता है, सेंडिंग डेटर ले लेंगे, और जब भी हम सेंडिंग डेटर और क्रिएटर का लेज़र बनाते हैं तो उसमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस फीचर को यस रखते हैं, हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे जैसे ये विंडो खुलेगी इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे कंपनी का टैली हमारी जो है वो सेल का लेज़र पूछ रही है, तो यहाँ पे LTC प्रेस करके सेल्स का लेज़र बना लेंगे, और सेल लेज़र अंडर सेल अकाउंट, और जब भी सेल और परचेज का, जैसे मैंने बताया जब भी सेल और परचेज का अंडर डालते हैं तो उसमें इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड इस फीचर को यस कर देंगे। नेम ऑफ आइटम, अब हमें क्या बेचना है, तो जैसे कि हम मेमोरी बेच रहे हैं, ठीक है, किस गोडाउन में हमारा है, अलीपुर में हमारा है,
कितना बेच रहे हैं हम? जैसे कि हम बेच रहे हैं क्वांटिटी 75 पीस, 75 पीस हम बेच रहे हैं, बिल भी उतने का बनेगा और रेट जो हमारा है वो 225 रुपये। और हम इसको क्या डिस्काउंट दे रहे हैं? तो यहाँ डिस्काउंट के देखिए, डिस्काउंट के नीचे की कर्सर है, तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट देना है ईच आइटम, यानी हर आइटम पे 2% डिस्काउंट देना है, यहाँ 2% डिफाइन कर देंगे। अभी देखिए, जैसे कि हम जब डिफाइन नहीं किए थे तब इसका जो रेट था हमारा, एक बार फिर से बता देते हैं, मेमोरी हमारी जो है वो 225 के हिसाब से जो है वो होगी अपनी, जैसे कि हम यहाँ पे 2% डिस्काउंट दिए तो यहाँ पे देखिए अमाउंट घट गया। नेक्स्ट आइटम पे बताते हैं। अब इसी तरह हमें पेन ड्राइव भी बेचना है, तो पेन ड्राइव हम बेच रहे हैं, गोडाउन किस में हमारा अलीपुर में है। कितना सेल कर रहे हैं? 10 पीस कर रहे हैं सेल, और किस रेट से? 110 के रेट। अब जैसे हम 110 रेट डालेंगे, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर दे रहे हैं कि 10 पीस का 110 के रेट से 1100 रुपये, लेकिन हमें 2% डिस्काउंट देना है। जैसे 2% हम डिस्काउंट देंगे उस आइटम का रेट घट जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आइटम घट गया, इस तरह एंटर प्रेस में ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। न्यू रेफरेंस और यहाँ पे बिल नंबर ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। तो इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे देखिए कंपनी सोल्ड 20 पीस सेम बाई कैश ऑन रिक्सा 2016। जैसे कि हम ये सेल कर रहे हैं, लेकिन अब ये आसान है, सेल कर सकते हैं हम बाई कैश, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात और होनी चाहिए कि हमने सेम पे स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया था, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 3 में देख सकते हैं। तो रेट जो होगा ये 75 रुपीज़ ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो आइए हम सेल करते हैं। सेल करने के लिए सेल में ही एंट्री होगी और एक साथ को कर रहे हैं हम, एक साथ को। तो रेफरेंस नंबर कुछ भी INV003 और पार्टी अकाउंट नेम, तो यानी पहले ये देखिए पार्टी अकाउंट नेम, इसमें किसी पार्टी का नाम है तो पार्टी जो हमारी है वो कैश है, कोई पार्टी इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि हम कैश से सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश ले लेंगे, इस विंडो को लेके इसको एक्सेप्ट करा देंगे और फिर यहाँ सेल का लेजर पूछेगा सेल। अब हमें क्या आइटम बेचना है? वो सिम बेचना है। सिम प्रेस करेंगे, किस गोडाउन में है? अलीपुर गोडाउन में है। और इसका ये बैच नंबर जो दिया है वो ले लेंगे, अपने आप एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाएगी। कितना पीस हम बेच रहे हैं? तो 20 पीस हम बेच रहे हैं। जैसे ही 20 पीस आप इंटर क्रिप प्रेस करेंगे वैसे ही अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऑटोमेटिक आइटम आ गई 75 रुपीज़। यहाँ इंटर प्रेस करते हैं, कोई डिस्काउंट हमें नहीं देना, इंटर प्रेस ले लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया, हमारे क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए। अब हम बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट हमारे PLB चेक करना चाहते हैं तो हमारे PLB चेक कर सकते हैं। हमारा PLB आइटम, जैसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट भी हमारी हुई है, ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट। थैंक यू। चलिए, तो आज हम टैली का जो केस होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे, जैसा कि कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे और कंपनी का नाम हम टैली केस रख देते हैं। टैली केस के नाम से हम कंपनी बनाएंगे और स्टेट इंडिया, कंट्री इंडिया सॉरी, और स्टेट उत्तर प्रदेश, और हमारी कंपनी जो बन रही है वो 16-17 में बन रही है। जैसा कि इसमें तो फाइनेंशियली कुछ कहा नहीं गया है कंपनी बनाने के लिए, लेकिन हम इससे पता कर सकते हैं कि जो हम अपनी वाउचर एंट्री कर रहे हैं वो 1/5/2016, यानी 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी और 17 में हमारी क्लोजिंग होगी। तो इससे ये पता चला हमारी जो कंपनी बनेगी वो 1/4/2016 में बनेगी। इस तरह ये हमारी कंपनी बन गई। अब आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम तत्काल कम्युनिकेशन ऑन 1/5/2016, द फॉलोइंग आइटम आर, यानी हम परचेज कर रहे हैं किससे? तत्काल कम्युनिकेशन से, और ये आइटम हम खरीद रहे हैं। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो टैली में जो केस होता है उसके लिए सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तत्काल कम्युनिकेशन, जो तत्काल कम्युनिकेशन से हम सामान खरीद रहे हैं, क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, जैसे मेमोरी खरीद रहे हैं, पेन ड्राइव खरीद रहे हैं, सिम खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज़, नई चीज़ आई है जो अभी तक हम टैली में पढ़े नहीं हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये देख रहा है एक्चुअल एंड बिल, यानी हम जो मेमोरी खरीद रहे हैं वो एक्चुअल हमारे पास आ रहा है, लेकिन बिल उसका बन रहा है 72 पीस, यानी इससे ये पता चल रहा है कि जो 8 पीस है वो हमें फ्री मिला है। तो इसके लिए, ऐसी एंट्री करने के लिए हम टैली में एक फ़ीचर इनेबल कराते हैं जिसका नाम होता है सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वालिटी। इस फीचर को यूज़ कराते हैं तो हम ये एंट्री आराम से टैली में कर सकते हैं। दूसरी बात, इसी आइटम पे ये देखिए, जैसे सिम हमने ख़रीदा
हाँ, दूसरा है आइटम है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हमें एक्चुअल में 10 पीस मिला, लेकिन इसका बिल कोई नहीं मिला, बल्कि ये बता रहे कि फ्री है। यानी फ्री टैली में जो भी हम एंट्री करते हैं उसे कोई ना कोई वैल्यू यानी कोई ना कोई रेट दिखानी पड़ती है, वरना टैली उस आइटम को एक्सेप्ट नहीं करता है जिस आइटम में रेट डिफाइन ना हो। तो ऐसे आइटम को एक्सेप्ट कराने के लिए एक फीचर होता है अलाउ ज़ीरो वैल्यू, उस फीचर को यस करा देते हैं। और फिर इसी तरह देखिए सिम नंबर थर्ड हमारा जो आइटम है, हम सिम खरीद रहे हैं जिसमें ये दिया है बैच नंबर दिया है और मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट, यानी हम जो सिम खरीद रहे हैं उसका बैच नंबर ये है और उसका मैन्युफैक्चरिंग ये है और एक्सपायरी डेट है, यानी कि जब एक्सपायरी डेट यानी 31/10/2016 के बाद अगर हम ये सामान बेचेंगे तो ये कंपनी हमें बेचने नहीं देगी। उसके लिए एक फीचर इनेबल कराते हैं मेंटेन बैच डिटेल, उस फीचर को यस कराते हैं तो ये हम एंट्री आराम से कर सकते हैं। और इसी तरह इस फीचर में गोडाउन भी हमें इनेबल कराना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हम चार फीचर इनेबल कराएंगे। सबसे पहले एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का फीचर इनेबल कराएंगे, फिर पेन ड्राइव फ्री मिल रहा है तो उसके लिए अलाउ ज़ीरो वैल्यू फीचर यस कराएंगे, और सिम में हमें बैच नंबर और एक्सपायरी डेट फीचर करना है तो उसके लिए भी बैच नंबर का फीचर इनेबल कराएंगे, और चौथा जो हमारा फीचर है वो गोडाउन का है उसको भी यस कराएंगे। तो सबसे पहले हम फीचर इनेबल कराएंगे। फीचर इनेबल कराने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करेंगे और सबसे पहले इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। अब सबसे पहले जो फीचर हमें मिल रहा है इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यानी इस फीचर को हमें यस कराना था इसलिए इसको यस करा देंगे। और फिर दूसरा हमारा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, हमें गोडाउन की भी ज़रूरत थी इसलिए इस फीचर को भी यस करा देंगे। और फिर हमें मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इस फीचर को भी यस कराना था तो इस फीचर को भी हम यस करा देंगे। और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, यानी हमें एक्सपायरी डेट भी यस कराना था, उस जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक्सपायरी डेट यहाँ सिम में हमें दिया हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट का भी फीचर यस करा देंगे। तो और सेट एक्सपायरी डेट और बैचेस भी दिए हैं तो हम इस फीचर को भी यस कर देंगे। और यहाँ पे हमें देखिए एक फीचर और मिला, यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, इस फीचर को भी यस कर देंगे क्योंकि हमें एक्चुअल और बिल क्वांटिटी भी फीचर यस करने हैं। इस तरह हम चार फीचर इनेबल करा चुके हैं। जैसे पहला हमारा फीचर इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसका मतलब ये था कोई भी सामान हम फ्री मिले तो वो एक्सेप्ट कर ले। गोडाउन हमें दिया हुआ है तो गोडाउन का भी हम यस कर लिए। मेंटेन बैच वाइज डिटेल दिया है, उस फीचर को भी यस करा दें जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंटेन कर सकते हैं। और यूज़ सेपरेट एंड एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, जैसे हम कुछ सामान खरीदें उस पर कुछ आइटम फ्री मिल रहा है तो इस फीचर को यस कराएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सामान खरीद रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और परचेस की शॉर्टकट की होती है F9 प्रेस करेंगे। जैसे F9 प्रेस करेंगे और हमें जो एंट्री करनी थी वो 1/5 में करनी थी। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे 1/5, सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर कहा है तो क्वेश्चन में डाल दीजिएगा। और पार्टी अकाउंट नेम का मतलब होता है कि हम किससे माल खरीद रहे हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि परचेस कंपनी परचेस गुड फॉर तत्काल कम्युनिकेशन, यानी हमने तत्काल कम्युनिकेशन से ये सामान खरीदा है तो तत्काल कम्युनिकेशन हमारी पार्टी हुई। अल्ट सी यहीं प्रेस करेंगे और तत्काल कम्युनिकेशन का लेज़र बनाएंगे। तत्काल कम्युनिकेशन, अब इसका अंडर क्या डालेंगे, जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा सेंड्री क्रेडिटर होता है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी हम सेंड्री क्रेडिटर या सेंड्री डेटर यानी जब भी पार्टी का लेजर बनाते हैं तो उसमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस फीचर को यस रखते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब जैसे एक्सेप्ट कराएंगे ये विंडो खुलेगी, अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सेप्ट करा देना। अब यहाँ पे परचेज लेज़र, यहाँ पे पूछ रहा है टैली परचेज लेज़र, तो यहाँ पे बस अल्ट सी प्रेस करेंगे और परचेज का लेज़र बनाएंगे। परचेज के लेज़र अंडर परचेज अकाउंट, और हमेशा परचेज और सेल के लेज़र में हमेशा इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड इस फीचर को यस कर देंगे। ठीक, अब नेम ऑफ आइटम, हमें आइटम बनाना है तो यहाँ पे आइटम हमारा पहला है मेमोरी, तो यहाँ पे मेमोरी हम बनाएंगे। अल्ट सी प्रेस करेंगे यहीं पे और मेमोरी का आइटम बना लेंगे। मेमोरी के अंडर कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं डालेंगे। यूनिट, अब देखिए मेमोरी किस चीज़ में खरीदना है तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ दिया नहीं है क्वांटिटी में, तो जाहिर सी बात है मेमोरी पीस में खरीदेंगे, तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करके पीस यूनिट बना लेंगे। अब यहाँ देखिए मेंटेन इन बैचेस,
क्या इसमें बैच मेंटेन करना है? तो यहाँ पे देखिए मेमोरी ये है हमारी और मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्स वाई, इसमें बैच नंबर कुछ दिया नहीं है, तो यानी इसमें मैन्युफैक्चरिंग बैच मेंटेन बैच डिटेल यस कराने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सेप्ट कराएंगे, गोडाउन पूछ रहा है। अब देखिए गोडाउन हमारा जो है वो नोएडा में है, तो यहीं पर अल्ट सी प्रेस करेंगे और नोएडा का गोडाउन बना लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारा गोडाउन बन गया। अब एक्चुअल एक्चुअल यहाँ पे देखेंगे, एक्चुअल हमारे पास कितना आ रहा है 80 पीस, तो यहाँ पे एक्चुअल 80 पीस, और जो बिल बन रहा है, जैसे हम एक्चुअल जो भी डालते हैं ऑटोमेटिकली बिल भी उतना का ही बनता है, लेकिन यहाँ पे हम टाइप करके चेंज कर देंगे, जैसे हमें जो बिल बनना है वो 72 पीस और रेट जो हमारा है 150 रुपये, ये हमारा मेमोरी होगा। दूसरा आइटम जैसे हमें पेन ड्राइव फ्री मिल रहा है, अल्ट सी प्रेस करेंगे और पेन ड्राइव बनाएंगे, ये हमारा पेन ड्राइव बन गया, अंडर कुछ नहीं, यूनिट में हमारा पीस में होगा। जैसे ये क्या इसमें बैच हमें मेंटेन कराना है, तो क्वेश्चन में इसमें भी मेंटेन बैच नहीं है, उठा देंगे। गोडाउन हमारा नोएडा है, नोएडा ले लेंगे। एक्चुअल एक्चुअल हमारे पास 10 पीस, जैसे इंटर हम प्रेस करेंगे बिल भी उतने का बनेगा, लेकिन हमें ये आइटम जो मिल रही है वो फ्री मिल रही है, तो इसमें बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे और बिल कुछ नहीं बनाया, यानी फ्री मिला, अमाउंट भी कुछ नहीं है, इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारा अमाउंट है कुछ नहीं, हमने मेमोरी 10,800 का ख़रीदा था, 10,800 यहाँ पे बिल है। नेक्स्ट इसी तरह हम दूसरा आइटम यानी सिम खरीद रहे हैं। अब सिम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सिम भी यूनिट में ख़रीद रहे हैं, और जैसे पीस इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पूछेगा मेंटेन इन बैचेस, क्या इसमें बैच मेंटेन करना है? तो हाँ, यहाँ पे देखिए बैच नंबर भी दिया हुआ है, एक्सपायरी डेट दिया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया और एक्सपायरी डेट दिया है, तो इस फीचर को जैसे ही यस कराएंगे तो ये पूछेगा कि ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डालना चाहते हैं, तो इस फीचर को भी यस कर देंगे। एक्सपायरी डेट भी आप डालना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो इस फीचर को भी यस कर देंगे। ओके, अब यहाँ गोडाउन पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम चलता है ये गोडाउन चलेगा, बैच नंबर क्वांटिटी रेट ये चलता है, तो सबसे पहले गोडाउन पूछ रहा है तो हम गोडाउन यहाँ दे देंगे, गोडाउन हमारा नोएडा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बैच ऑब्लिक लॉट नंबर, तो यहाँ पे ये न्यू नंबर आएगा, तो हम यहाँ पे न्यू नंबर ले लेंगे, और हमारा जो था बैच नंबर है 4125612 56, ये हमारा बैच नंबर हो गया। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी हमें जो हो रही है वो 25 पीस और बिल भी 25 का बन रहा, तो 25 पीस बिल भी ऑटोमेटिक उतना ही बनेगा, और रेट जो है हमारा वो 50 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये देखिए, अब जो हमारा है बैच नंबर के नीचे मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारा है 1/4 नहीं 1/5, जैसे कि 1/4 है, 1/4/2016, और एक्सपायरी डेट हमारा है 31/10/2016, इंटर पे से ये हमारा आइटम खरीद लिया गया। न्यू रेफरेंस लेंगे, ये मेरी इंट्री कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि ऑन 2/5/2016 कंपनी ट्रांसफर ऑल गुड्स फ्रॉम नोएडा टू अलीपुर गोडाउन, यानी एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 2%, यानी हम क्या करें, जितने भी हमारे आइटम हैं नोएडा गोडाउन में उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अलीपुर गोडाउन में, और उस पर जब हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर हमारा एक खर्चा हो रहा है, क्या ट्रांसपोर्टेशन के नाम से खर्चा हो रहा है जो 2% हो रहा है, यानी जितना भी कॉस्ट का ये 150 रुपये के हिसाब से जा रहा है उस पर 2% चार्ज लग रहा है भेजने में। तो जब भी हम गोडाउन ट्रांसफ़र करते हैं, गोडाउन ट्रांसफ़र करने के लिए तो उसकी भी एक बाउचर होता है, जिस बाउचर में हम उसको करते हैं तो उसका नाम होता है स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल सिर्फ गोडाउन ट्रांसफ़र करने के काम में आते हैं। तो इसी तरह हम अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे और गोडाउन ट्रांसफ़र करने की शॉर्टकट की होती है जिस बाउचर में हम करते हैं Alt+F7। जैसे Alt+F7 करेंगे स्टॉक जनरल का बाउचर खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए दो चीज़ दी हमें, एक हुआ है सोर्स और एक है डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब हम कहाँ से माल उठा के कहाँ पर डेस्टिनेशन का कहाँ पर भेज रहे हैं। तो सोर्स पहले हम क्या क्या आइटम भेज रहे हैं, तो जैसे कि अब हमारा मेमोरी है, मेमोरी हम भेज रहे हैं, हमारे किस गोडाउन में था, नोएडा गोडाउन में था, और ये हमारे पास पीस कितने थे, यहाँ 80 पीस एक्चुअल में हमारे पास थे, उसको हम ट्रांसफ़र, देखिए रेट अपने आप डिफाइन हो गया,
135। अब यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज होंगे कि 135 रुपये यहाँ रेट आया और लेकिन यहाँ पे जो है 150 रुपये आया। तो जो हमारा बिल बना था 72, वो जो 150 रुपये रेट थे वो सिर्फ 72 रुपये के हिसाब से थे, और 80 रुपये पे ये कैलकुलेट कर लिया कि जब अगर आप 80 रुपये का 80 पीस आप ख़रीद रहे हैं तो उस पर रेट कितना डिफाइन होगा। एंटर प्रेस करेंगे और फिर हमारा दूसरा आइटम था पेन ड्राइव, जो नोएडा गोडाउन में ट्रांसफ़र करना था, हमें नोएडा गोडाउन में हमारा था, और इसकी क्वांटिटी हमारे 10 पीस थी और इसका रेट कुछ नहीं था, तो यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ नहीं रेट कुछ नहीं था। और दूसरी तीसरी चीज़ हमारी थी तीसरी चीज़ हमारी है सिम, हम सिम को भी ट्रांसफ़र करेंगे, गोडाउन नोएडा गोडाउन में है और इसका बैच नंबर ये था, क्वांटिटी हमारे पास शायद 25 पीस थी, तो रेट अपने आप आ जाएगा। एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन में नहीं, हम कहाँ लेना ले जाना चाहते हैं और क्या ले जाना चाहते हैं, यानी जब हम जो चीज़ भेजेंगे वही चीज़ हमारे दूसरे गोडाउन में पहुँचेगी, तो पहली चीज़ हम क्या भेज रहे हैं, मेमोरी, तो वहाँ पे मेमोरी ही पहुँचेगी। मेमोरी किस गोडाउन में, तो हम यहाँ में अलीपुर गोडाउन में सेंड करना है, यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और अलीपुर के नाम से एक गोडाउन बना लेंगे। हमारा गोडाउन हो गया, अलीपुर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फिर अलीपुर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और यहाँ क्वांटिटी जो हमारी थी वो 80 पीस, जो 80 पीस होगा वहीं डाल देंगे, ये रेट होगा। जैसे यहाँ इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं पूछा, लेकिन हम जब इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए एक फ़ीचर है ना, जैसे हमारे ऊपर तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो रहा है, जब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो रहा है, तो वो फ़ीचर हमें इनेबल कराना था, सॉरी हमने यस नहीं कराया था, लेकिन आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं और किए नहीं तो आप यहीं से भी इनेबल फीचर को करा सकते हैं। बस यहीं पे F11 प्रेस करिएगा और जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है गोडाउन ट्रांसफ़र करने में तो वही यहाँ पे आपको मिलेगा एक फीचर, यूज्ड ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इस फीचर को यूज़ करा देते हैं, ये हमेशा ट्रांसफ़र कराने के खर्चे में फ़ीचर इनेबल कराते हैं, इस फीचर को यूज़ कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अगेन हम इंटर मारते जाएंगे और मेमोरी, अब जैसे ही हम इंटर यहाँ पे प्रेस करेंगे वो पूछेगा कि क्या इस पर कोई एडिशनल कॉस्ट भी खर्चा हुआ है, तो हाँ हमारा एडिशनल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के नाम से हुआ है, तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करके ट्रांसपोर्टेशन का एक लेज़र बनाएंगे, ट्रांसपोरेशन, और ट्रांसपोरेशन का लेज़र जो अंडर जाएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ले जाएगा कि हमने इसको ये जो हमारा खर्चा है वो उसके कॉस्ट में ऐड होगा, जो हम मेमोरी खरीदे हैं 150 रुपये की उसके कॉस्ट में ऐड होगा, इसलिए हम डायरेक्ट एक्सपेंस अंडर लेंगे, और टाइप ऑफ ड्यूटी अदर ले लेंगे, परसेंटेज कुछ नहीं। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कितना परसेंट हमारा खर्चा हुआ है, तो क्वेश्चन में 2% है, 2% कर देंगे। अब देखिए जैसे 2% यहाँ खर्चा करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमारा जो ख़रीदा हुआ था वो 135 रुपये में ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन अब जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो गई वो 137 रुपये 70 पैसा, यानी उसको ऐड कर लिया जो 2% हमारा खर्चा हुआ था। इसी तरह पेन ड्राइव हमारा है, अब पेन ड्राइव पे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे अलीपुर में, अलीपुर में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन इसका हमारा जो क्वांटिटी था वो 10 पीस और इसमें कोई रेट नहीं था, तो कोई रेट इसमें डिफाइन नहीं करेंगे, ना कोई एडिशनल कॉस्ट चार्ज करेंगे इस पे। तीसरा हमारा सिम है, सिम को ट्रांसफ़र करेंगे अलीपुर गोडाउन में, जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये न्यू नंबर पूछेगा, क्या आप उसका बैच नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो नहीं चेंज नहीं करना चाहते हैं, बस वही जो हमारा बैच नंबर था वही मिला है, और क्वांटिटी हमारी 25 पीस थी, जैसे 25 और रेट इसका था हमारा 50 रुपये, यहाँ पर सारी चीज़ नहीं भरनी पड़ेगी। और टाइप ऑफ कॉस्ट यहाँ ट्रांसपोर्टेशन दे दीजिएगा, कितना परसेंट है, 2%, इंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। अब ये कब हुआ था, 1/4 में हुआ था और 31/10 में ये एक्सपायर हो गया, इंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, कंपनी फिक्स स्टैंडर्ड रेट प्राइस ऑफ सिम एट द रेट ऑफ 75% ऑन 1/6/2016, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1/6/2016 से कंपनी क्या करी, फिक्स कर दे रही है सिम का रेट, फिक्स कर दे रही है कि वो अब बिकेगा तो 75 रुपये के हिसाब से बिकेगा, कब से, 1/6/2016 से, तो हमें फिक्स कर रहा है स्टैंडर्ड रेट किस पे करना है, सिम पे। तो इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम आइटम, किस आइटम पे हमें रेट फिक्स करना है, तो जिस आइटम पे हमें रेट फिक्स करना है उस आइटम में जाएंगे, तो आइटम में जाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम और अल्टर में जाएंगे, क्योंकि सिम पहले से ही बन चुका है, तो यहाँ पे सिम में चले जाएंगे
और यहाँ जाने के बाद आप यहीं पे प्रेस करेंगे F12, यानी हमें स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना है, तो यहाँ पे आप F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद यहीं पे आपको मिलेगा इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, यानी हमें स्टॉक आइटम पे स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना है। इस फीचर को भी यस कर देंगे और जैसे यस करेंगे फिर आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहीं आपको मिलेगा अल्टर स्टैंडर्ड रेट, यानी आप क्या स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करिएगा। इस फीचर को जैसे यस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यह पूछेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक होगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, तो हमें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं ब्लैंक छोड़ के इंटर चले आएंगे। अब हमें सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है, यानी जब हम बेचेंगे तो उसका दाम ये होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है अप्लीकेबल फॉर्म, यानी कब से ये अप्लीकेबल होना चाहिए, तो क्वेश्चन में कहा गया 1/6 से, 1/6 से हमें अप्लीकेबल करना, उसका रेट होना चाहिए 75 रुपीज़। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको 1/6 के बाद अगर हम सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट 75 रुपीज़ आ जानी चाहिए, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑन 2/6/2016 कंपनी सोल्ड गुड्स टू अग्रवाल ट्रेडर एंड गिव ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% ईच आइटम, यानी हम कंपनी क्या कर रही है, सेल कर रही है गुड, किसको कर रही है, अग्रवाल कंपनी को, अग्रवाल ट्रेडर को कंपनी, और उसे ट्रेड डिस्काउंट भी दे रही है, कितना 2% ईच आइटम, यानी हर आइटम पे उसको 2% डिस्काउंट दे रही है। तो जब भी हम किसी आइटम पे डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए एक फीचर इनेबल कराते हैं। फीचर इनेबल कराने के लिए गेटवे F12 पे F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे और यहीं पे आपको मिलेगा एक फीचर यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस फीचर को यस कर देंगे, यानी जब हम इनवॉइस में एंट्री करें तो वहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम भी आना चाहिए क्योंकि हमें डिस्काउंट देना। यस कराने के बाद आप चले जाएंगे, फिर हमें एंट्री करनी है तो ट्रांजेक्शन करना है तो अकाउंटिंग वाउचर में, और हमें सेल करना है सेल की शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे। अब यहाँ हमें कितने तारीख को करना है, जैसे कि 2/6 को हमें करना है, 2/6, और रेफरेंस नंबर में कुछ भी डाल दीजिएगा, इनवॉइस 002, पार्टी नेम। अब यहाँ पे हम किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं अग्रवाल ट्रेडर को, यहीं पे LTC प्रेस करके लेज़र बनाएंगे अग्रवाल ट्रेडर, अग्रवाल ट्रेडर, यानी जब भी हम किसी पार्टी को सेल करते हैं तो हमारा सैंडी डेटर होता है, सैंडी डेटर ले लेंगे, और जब भी हम सैंडी डेटर और क्रिएटर का लेज़र बनाते हैं तो उसमें मेंटेन बैलेंस बिल बैगल इस फीचर को यस रखते हैं, हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे जैसे ये विंडो खुलेगी इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे कंपनी का टैली हमारी जो है वो सेल का लेज़र पूछ रही है, तो यहाँ पे LTC प्रेस करके सेल्स का लेज़र बना लेंगे और सेल लेज़र अंडर सेल अकाउंट, और जब भी सेल और परचेज का, जैसे हमने बताया जब भी सेल और परचेज का अंडर डालते हैं तो उसमें इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड इस फीचर को यस कर देंगे। नेम ऑफ आइटम, अब हमें क्या बेचना है, तो जैसे कि हम मेमोरी बेच रहे हैं, ठीक है, किस गोडाउन में हमारा है, अलीपुर में हमारा है, कितना बेच रहे हैं, जैसे कि हम बेच रहे हैं क्वांटिटी 75 पीस हम बेच रहे हैं, बिल भी उतनी का बनेगा और रेट जो हमारा है वो 225 रुपये, और हम इसको क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ डिस्काउंट के देखिए डिस्काउंट के नीचे की कर्सर है, तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट देना ईच आइटम, यानी हर आइटम पे 2% डिस्काउंट देना है, यहाँ 2% डिफाइन कर देंगे। अभी देखिए जैसे कि हम जब डिफाइन नहीं किए थे तब इसका जो रेट था हमारा, एक बार फिर से बता देते हैं, मेमोरी हमारी जो है वो 225 के हिसाब से जो है वो होगी अपनी, जैसे कि हम यहाँ पे 2% डिस्काउंट दिए तो यहाँ पे देखिए अमाउंट घट गया। नेक्स्ट आइटम पे बताते हैं, अब इसी तरह हमें पेन ड्राइव भी बेचना है, तो पेन ड्राइव हम बेच रहे हैं, गोडाउन किस में हमारा आलीपुर में है, कितना सेल कर रहे हैं, 10 पीस कर रहे हैं सेल, किस रेट से, 110 के रेट। अब जैसे हम 110 रेट डालेंगे, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर दे रहा है कि 10 पीस का 110 के रेट से 1100 रुपये, लेकिन हमें 2% डिस्काउंट देना है, जैसे 2% डिस्काउंट देंगे उस आइटम का रेट घट जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि आइटम घट गया, इस तरह एंटर प्रेस में ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। न्यू रेफरेंस और यहाँ पे बिल नंबर ज़रूर चढ़ा दीजिएगा,
इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे देखिए कंपनी सोल्ड 20 सेम बाई कैश ऑन एक साथ 2016, जैसे कि हम ये सेल कर रहे हैं, लेकिन अब ये आसान है सेल कर सकते हैं हम बाई कैश। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात और होनी चाहिए कि हमने सेम पे स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 3 में देख सकते हैं। तो रेट जो होगा ये 75 रुपीज़ ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो आइए हम सेल करते हैं। सेल करने के लिए सेल में ही एंट्री होगी और एक साथ को कर रहे हैं हम एक साथ, तो रेफरेंस नंबर कुछ भी INV003 और पार्टी अकाउंट नेम। तो यानी पहले ये देखिए पार्टी अकाउंट नेम, इसमें किसी पार्टी का नाम है तो पार्टी जो हमारी है वो कैश है, कोई पार्टी इंडिविजुअल नहीं है बल्कि हम कैश से सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश ले लेंगे, इस विंडो खुलेगी, इसको एक्सेप्ट करा देंगे और फिर यहाँ सेल का लेजर पूछेगा सेल। अब हमें क्या आइटम बेचना है, वो सिम बेचना है। सिम प्रेस करेंगे, किस गोडाउन में है, अलीपुर गोडाउन में है, और इसका ये बैच नंबर जो दिया है वो ले लेंगे, अपने आप एक्सपायरी डेट और मैनुफैक्चरिंग डेट आ जाएगी। कितना पीस हम बेच रहे हैं, तो 20 पीस हम बेच रहे हैं। जैसे ही 20 पीस आप इंटर क्रिप प्रेस करेंगे वैसे ही अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऑटोमेटिक आइटम आ गई 75 रुपीज़। यहाँ इंटर प्रेस करते हैं, कोई डिस्काउंट हमें नहीं देना, इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। हमारे क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया, अब आगे हम बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट हमारे ये PLB चेक करना चाहते हैं तो हमारे PLB चेक कर सकते हैं, हमारा PL का आइटम, जैसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट भी हमारी हुई है, ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट। थैंक यू।